स्ट्रक्चर क्लास थ्री के लिए है, ये फर्स्ट पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे भी हार्ड हार्ड चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़े। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हर एक क्लास के लेवल पे डिवाइड किया जाएगा। क्लास थ्री के लेवल पे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। पेन और कॉपी बंद कीजिए, समझिए पहले। ये वीडियो जो भी बनता है वो सारा तो वीडियो जाता ही है, उसको देखिए, उसको समझिए। एटम सबसे पहले तो क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्लास थ्री में ही आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एटम है क्या। तो एटम जो होता है एक्चुअली में, पहले तो देखते हैं कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है एटम का। एटम गोल होता है और उसके सेंटर में दो चीज होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन और एक होते हैं प्रोटॉन। सेंटर का, एटम का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा हो, या तीन या चार, कुछ भी, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं चक्कर काट रहे हैं मान लीजिए। तो इस चीज को जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, ये डॉट डॉट जो है वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक दो तीन चार ढेर सारे हो सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस मतलब सेंटर के चारों तरफ चक्कर काटने लगे, तो उस पाथ को हम लोग, उस रास्ते को क्या कहेंगे, ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, या फिर इसको आप ऑर्बिट के जगह पे आप सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेल, ऑर्बिट कहिए, सेल कहिए, ठीक है ना। अच्छा, तीन पार्टिकल हैं जो हमारे एटम्स के अंदर में होते हैं, वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं उसके बारे में देखते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? पहला तो एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन। कौन है पहला? इलेक्ट्रॉन जो होता है ये माइनस चार्ज लेकर के आता है। कौन सा चार्ज लेकर के आता है? नेगेटिव होता है। दूसरा जो हमारा है वो है प्रोटॉन, ये प्लस चार्ज लेकर के आता है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, ये कुछ भी नहीं लेकर के आता, ये चार्ज लेस होता है। ये क्या होता है? चार्ज लेस होता है। तो हमारे पास तीन एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन के क्या चार्ज होते हैं? प्रोटॉन के प्लस, और न्यूट्रॉन चार्जलेस कहें, या फिर आप इसको न्यूट्रल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? न्यूट्रल। ना तो ये प्लस है ना ही ये माइनस है, ये न्यूट्रल है। कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है हम लोगों का, हम कहते रहे तुम मेरे पार्टी से रहो, अब वो कहता है मेरे पार्टी से रहो, दो बंदा है लड़ जाए, तो वो कहता है मेरे पार्टी में, कहता रहे ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ना तुम्हारे साथ रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो यही न्यूट्रल है, किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का नहीं होना न्यूट्रल कहलाता है, जो कि न्यूट्रॉन होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे एटम्स के। आपने समझा कि एटम क्या है। अब एटम्स को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, एटम को क्या करते हैं ना कि छोटे छोटे सिंबल्स में बना देते हैं, ठीक है। एटम्स मान लीजिए कि गोल बोलिए, ढेर सारे एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक
इस तरीके से एक ही तरह के ढेर सारे एटम्स एक जगह आ गए ऐसे, तब इसका नाम ये क्या है, एक एटम है। ढेर सारे एटम को जब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो इसे हम कहेंगे एलिमेंट। क्या कहेंगे इसको? एलिमेंट। बात समझ में आया? एलिमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं सो देखिए कि एलिमेंट आखिर क्या है। कलेक्शन ऑफ एटम्स इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। और एटम क्या है? एटम किसको बना रहा है? एलिमेंट को बना रहा है। ढेर सारे छोटे छोटे एटम मिलके क्या बना दिया? एलिमेंट। तो इसे कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक किसको कहते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि स्कूल एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जो छोटे छोटे ईंट हैं उसे हम लोग ब्लॉक कहेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लॉक। तो ईंटों से मिलकर के ये बिल्डिंग बना है। इसी तरीके से एलिमेंट किन चीजों से मिलकर बनता है? जोर से बोलिए। तो एटम को क्या कहेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। आ जाइए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट कहिए या फिर इसको यूनिट ऑफ, दूसरा डेफिनेशन क्या डाल सकते हैं? यूनिट ऑफ एलिमेंट। यूनिट मतलब इकाई। एलिमेंट जिस चीज से मिलके बना है उसकी जो एक यूनिट होगी उसे हम एटम कह सकते हैं। तो क्या अच्छे से आपको समझ में क्या क्या आया सो मैं बता रहा हूँ। एटम क्या होता है? स्फेरिकल होता है। एटम का साइज क्या होता है? स्फेरिकल होता है, फुटबॉल की तरह गोल होता है। गोल गोल मतलब हो गया सर्कल, है ना। तो सर्कल को आप प्लेन पेपर पे बनाते हैं, लेकिन फुटबॉल की तरह अगर कोई चीज गोल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल। एटम का साइज कैसा होता है? स्फेरिकल। एटम के बाहर में क्या रहता है? एटम के बाहर में क्या रहता है? एटम के बाहर में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। एटम के बाहर में क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एटम के अंदर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीन पार्टिकल हैं, देयर आर थ्री पार्टिकल्स, है ना। इसे हम कौन सा पार्टिकल कहेंगे? एटॉमिक पार्टिकल। एटम में रहने वाले पार्टिकल्स को क्या कहेंगे? एटॉमिक पार्टिकल्स। तो यहाँ एक और डेफिनेशन आ सकता है कि एटॉमिक पार्टिकल्स किसको कहेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ एटम। बात समझ में आया? द पार्टिकल्स ऑफ एटम आर कॉल्ड एटॉमिक पार्टिकल। देयर आर थ्री एटॉमिक पार्टिकल्स वी हैव। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन, थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर चार्ज पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होल्ड करता है? माइनस। प्रोटॉन मतलब पी से प्लस, पी से प्रोटॉन, पी से प्लस कौन सा चार्ज होल्ड करता है? और सिंबल्स क्या है जरा देखिए। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई, प्रोटॉन को पी, न्यूट्रॉन को एन, ये सिंबल है, ठीक है ना। सिंबल समझ में आया? कहीं अगर छोटा ई लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पी लिखा हुआ है तो क्या है? प्रोटॉन। एन लिखा हुआ है तो क्या है? न्यूट्रॉन है। बात समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता। अगर पूछा जाए कि बताओ
एटम के अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है बैठा हुआ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चलता है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चलता है उस पाथ को क्या कहते हैं, उस रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या फिर शेल। ऑर्बिट या फिर शेल। तो चलिए एक और डेफिनेशन आपको मिल जाता है। कौन सा डेफिनेशन जरा देखिए, ऑर्बिट का मिल जाएगा या फिर शेल का मिल जाएगा, दोनों तो एक ही बात है। क्या क्या डेफिनेशन होगा बोलिए? द पाथ, द पाथ ऑन एट विच, ऑन विच द पाथ एट ऑन होगा ना, ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव। एक ऐसा रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन चलते हो, मूव मतलब चल रहे, है ना, वॉक नहीं, मूव मतलब चलते रहे, रन दौड़ते रहे, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट। हमने कितने डेफिनेशंस देखे जरा देखिए। सबसे पहले तो देखा कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, एटॉमिक पार्टिकल्स का डेफिनेशन देखा, ऑर्बिट का डेफिनेशन देखा, और एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं वो देखा, सिंबल क्या है उसके और उसके चार्जेस क्या है। समझ में अच्छे से आया? Yes, sir. अच्छे से आया बिल्कुल।